हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स प्ले विद स्टॉक मार्केट। दोस्तों, रिलायंस के बारे में आज बात करना चाहूंगा। रिलायंस में आज बढ़िया तेजी का माहौल चलता हुआ दिखाई दिया। यहाँ पे जो हमने पहले सपोर्ट लेवल की बात करी थी 1900 रुपये के आसपास की, वहां पे आज लो बनाया और वहां से बढ़िया बाउंस बैक हमें होता हुआ दिखाई दिया। और यहाँ पे बाउंस बैक के पीछे एक और भी खबर है, टेक्निकल तो है ही कि यहाँ पे सपोर्ट लेवल था, परंतु खबर के बारे में बताओ तो एक बढ़िया खबर यहाँ पे रिलीज हुई है। जियो की तरफ से बढ़िया अनाउंसमेंट हुए हैं, जिसके चलते यहाँ पे रिलायंस में बढ़िया तेजी हमें देखने को मिली। तो इस खबर के बारे में हम पूरी तरह जानने की कोशिश करेंगे और यहाँ पे मंडे को क्या लेवल टारगेट आ सकते हैं और शॉर्ट टर्म में भी क्या लेवल टारगेट आ सकते हैं, उसके बारे में हम जानने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। मैं चाहूंगा इस वीडियो के साथ आप पूरा पूरा जुड़े रहे और वीडियो आप पूरा अंत तक जरूर देखिए। यहाँ पे पहले रिलायंस की सिचुएशन आपके सामने प्रेजेंट करना चाहूंगा। 1937 रुपये के आसपास यहाँ पे क्लोजिंग हुई है, 24 रुपये लगभग ऊपर जाकर के मधुआ है, 1.25% की तेजी यहाँ पे देखने को मिली है। यहाँ पे मैंने जो सपोर्ट आज जैसे लिया कि जो सपोर्ट रेंज मैंने पहले भी बताया था कि 1900 के आसपास आया है, तो आपको बिल्कुल बाय करके चलना है रिलायंस को। तो आज 1900 के आसपास ही वो सपोर्ट लेता हुआ देखने को मिला। लो देखिए 1906, और उसके बाद वहां से बाउंस बैक और यहाँ पे हाई 1942 रुपये के आसपास का। कारोबार के बारे में आपको बताना चाहूंगा कि कारोबार कैसा रहा था। इसके लिए मैं आपको यहाँ पे एनएससी की वेबसाइट पे लेके आया हूँ, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। 1937 रुपये के आसपास क्लोजिंग, 1% से भी ज्यादा की तेजी, हाई 1942 रुपये का, लो 1906 रुपये के आसपास का। क्वांटिटी की बात करें, 61,34,000 शेयर की ट्रेडिंग, जिसमें से 22,02,000 शेयर की डिलीवरी। परसेंटेज ऑफ डिलीवरी यहाँ पे 36% की निकल करके आ रही है। डिसेंट यहाँ पे यहाँ कारोबार की सिचुएशन नजर आ रही है। तो जो खबर है उसके बारे में सीधा आपको बताने की कोशिश करूंगा कि कौन सी खबर के चलते यहाँ पे रिलायंस आज अच्छी तेजी यहाँ पे दिखाता हुआ हमें नजर आया है। तो मैं आपको मनी कंट्रोल की वेबसाइट पे लेके आया हूँ दोस्तों, और यहाँ पे खबर आप पढ़ सकते हो। RIL शेयर प्राइस राइज आफ्टर जियो अनाउंसमेंट टू ऑफर फॉर इट्स कस्टमर। तो दोस्तों, आपको पता होगा कि रिलायंस के काफ़ी सारे बिजनेस हैं, यहाँ पे इसमें से एक टेलीकॉम का बिजनेस है और उसका नाम जियो है। तो जियो की तरफ से दो अनाउंसमेंट किए गए। अनाउंसमेंट किसके लिए किए गए? जो जियो का फोन यूज़ कर रहे हैं इसके लिए। पर जो अनाउंसमेंट है वो अपने आप में बहुत ज़्यादा धाकड़ है, और इसी के चलते आज हमें वोडाफोन इंडिया में गिरावट दिखाई दी और यहाँ पे भारतीय एयरटेल में भी प्रेशर हमें देखने को मिला। परंतु बात करें कि किस तरह का यहाँ पे प्लान या दिखाई दिया है, यहाँ पे इस प्लान के चलते मार्केट के पूरा पूरा अंदेशा है कि आगे जाकर के उसके कस्टमर बेस और ज़्यादा तेजी से बढ़ने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे जिस तरह की ऑफरें दी जा रही हैं उसके चलते यहाँ पे दूसरी कंपनियों के लिए ऐसी ऑफरें निकालना मुझे लगता है बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो दोस्तों, यहाँ पे बताया गया है कि जो जियो फोन यूज़ करते हैं रिलायंस के कस्टमर, जियो के कस्टमर, उसको यहाँ पर मंथ 300 मिनट फ्री ऑफ कॉस्ट दी है। मतलब कि पेंडेमिक जब तक चलेगा, जब तक ये कोरोना चलेगा, तब तक वो जियो फोन यूजर को 300 मिनट बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएगी पर मंथ कॉल करने के लिए, जिसमें 10 मिनट पर डे, मतलब आप 10 मिनट पर डे गिनोगे तो महीने की 300 मिनट होगी, वो आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे दी जाएगी। आपको कोई भी रिचार्ज करने की जरूरत नहीं है, ऐसा यहाँ पे जियो ने अनाउंसमेंट किया है। अपने आप में बहुत बढ़िया अनाउंसमेंट है, जिसके चलते यहाँ पे जो जियो के फोन नहीं लेते होंगे वो भी अभी ये लेना चालू कर सकेंगे, ऐसा यहाँ पे बताया जा रहा है। यहाँ पे जो दूसरा अनाउंसमेंट है वो भी इससे भी बढ़िया है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि अगर आप जियो फोन में कोई भी एक रिचार्ज करते हो, जब तक ये पेंडेमिक है तब तक, मतलब कि आप 75 का रिचार्ज करते हो, ये फॉर एग्जांपल है, आप जितना भी रिचार्ज करोगे उससे यहाँ पे दुगना हो जाएगा। मतलब कि अगर आप 75 का रिचार्ज करोगे तो आपको दूसरा 75 का रिचार्ज एकदम बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। मतलब को आपको रिचार्ज एक बार करना है, लाभ आपको दो बार मिलेगा, और ऊपर से 300 मिनट तो फ्री फ्री। तो अगर ऐसी अनाउंसमेंट यहाँ पे मुकेश साहब ने करी है तो फिर यहाँ पे जो कस्टमर बेस है वो बढ़ना बिल्कुल तय है। यहाँ पे जियो को सबसे ज़्यादा गेन आना बिल्कुल तय है, और यहाँ पे जियो के फ़ोन भी बिकना बिल्कुल तय है, जिसका असर यहाँ पे मार्केट में पॉजिटिवली देखने को मिला। और रिलायंस का शेयर एक समय पे 2% की तेजी के आसपास ट्रेड कर रहा था। तो ये वन ऑफ द रीजन है जिसके चलते यहाँ पे रिलायंस में बढ़िया तेजी का माहौल चला है। अभी हम शॉर्ट टर्म के टारगेट, मंडे के टारगेट जानने के लिए यहाँ पे मैं आपको चार्ट पे लेके आया हूँ। 1 आवर की चार्ट पे हम बात करने की कोशिश करेंगे। मैंने आपको पहले भी बताया है कि 1900 से लेकर यहाँ पे 1875 के आसपास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, एकदम बाइंग टेरेटरी है। तो जब यहाँ पे इसके आसपास आने की कोशिश करें रिलायंस, तो आपको बिल्कुल आंखें बंद करके हाँ माल यहाँ पे उठाना है। आपको SL कहाँ लगाना है? जो 1875 के आसपास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है।
हालांकि 1900 से लेकर 1875 के रेंज में ही सपोर्ट है, तो आपको रेंज के जो बॉटम है वहां पे एसएल लेकर के यहाँ पे पोजीशन बनानी है। आपका एसएल रहना चाहिए 1875। तो शॉर्ट टर्म में पोजीशन बनाने वाले यहाँ पे एसएल ले सकते हैं। टारगेट जो पहला मैंने आपको पहले भी बताया था लास्ट वीक में कि 1950 के आसपास रेजिस्टेंस है, तो यहाँ पे दो बार रेजिस्टेंस फेस किया और नीचे आया और आपको दो तीन बार मौका दिया, ऐसा नहीं कि एक दो बार, कि 1900 के आसपास वो आके फिर से बाउंस बैक कर रहा है। तो अभी इसकी क्लोजिंग कहाँ हुई है, 1937, तो आपको मंडे को करना क्या है, अगर ये 1950 के ऊपर 15 मिनट की पे क्लोजिंग देता है तो आपको लॉन्ग पोजीशन क्रिएट करनी है। आपके लिए टारगेट 1994 शॉर्ट टर्म के लिए, बाकी इंट्राडे वाले जो 1950 के ऊपर बाइंग करेंगे तो एज पर द यहाँ पे उनकी जो प्रॉफिटेबिलिटी की रेंज है वहाँ पे वो प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। 1945 के आसपास का ऐसा लेकर के अगर 1950 के ऊपर क्लोजिंग देता है तो मंडे को इंट्राडे में बाई किया जा सकता है, बाकी शॉर्ट टर्म वाले तो बिल्कुल बाई करें। 1950 के ऊपर जब क्लोजिंग आएगी तब आपका एसएल रहना चाहिए 1950 के नीचे एज पर द योर रिस्क एपेटाइट। टारगेट वुड बी 1995 एंड 2035, मतलब कि 2035 और 1995 का टारगेट आप लेकर के शॉर्ट टर्म में चल सकते हो। आरएसए का लेवल स्ट्रॉन्ग हो चला है, 59 के आसपास का है, तो आरएसए का लेवल भी बढ़िया यहाँ पे मजबूती दिखाता हुआ नजर आ रहा है। तो मैं चाहूंगा दोस्तों रिलायंस को आप स्टडी करिए, उसके बाद ही यहाँ पे कोई पोजिशन बनाने की कोशिश कीजिए। इन लेवलों को आप बिल्कुल मंडे को वॉच आउट कर सकते हो। और यहाँ पे बताना चाहूंगा जिस किसी ने यहाँ पे जीरोधा में अकाउंट ओपन नहीं किया या तो फिर करवाना चाहता है, उनको मेरे लिंक दी गई है जीरोधा की मेरी तरफ से, मेरी डिस्क्रिप्शन में, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाकर आप जीरोधा में अकाउंट बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ओपन कर सकते हो। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।